मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के हर फैसले पर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाने पर कहा कि कांग्रेस देश को बांटने का काम करती रही है, जबकि बीजेपी का हमेशा से राष्ट्र सेवा का भाव रहा है। बीजेपी ने देश हित में कई बड़े फैसले किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का भाव सदैव से राष्ट्रवाद का भाव रहा है, और इसलिए जब जीएसटी आई तो हमने कहा वन नेशन वन टैक्स, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा समाज को विभाजित करने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी अपने भारत को अखंड रखना चाहती है, और उसी दिशा में बढ़ाए हुए कदम है वन नेशन वन टैक्स, वन लेसन वन लॉ। पहले दो कानून थे, हमारा पार्टी का शुरू से आंदोलन रहा है कश्मीर के ऊपर के एक देश में दो निशान, एक देश में दो विधान और एक देश में दो प्रधान नहीं होना चाहिए। देखिए देश गर्व कर रहा है, यही तो उनकी पीड़ा है, और जिस चीज पर देश गर्व करता है वो उससे पीड़ित हो जाते हैं। वो पाश्चात्य संस्कृति में रचे बसे व्यक्ति हैं, वो चीन में अगर बारिश होती है तो हिंदुस्तान में छाता खोल लेते हैं, वो इस तरह के व्यक्ति हैं। कम्युनिस्टों की विचारधारा से उत्प्रोत है, तभी तो कन्हैया जब कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो सबसे पहले राहुल गांधी मिलने जाते हैं। विचारधारा उसी की है ना, वो कन्हैया की। मैं इसलिए उसको कोट किया कि आप ये जरूर पूछेंगे, जो कहता है कि भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, तो जाती है ना दौड़ के मिलने के लिए उससे। तो ये उसी वैचारिक धारा के लोग हैं, स्वाभाविक रूप से इन्हें राष्ट्रवाद कभी सुहाता नहीं, और देश का नाम अगर होता है, मैं समझता हूं कि राफेल की गर्जना से पूरा देश प्रफुल्लित और प्रसन्न चित्त हुआ। मैंने कल भी कहा था कि पीड़ा इन दो ही तीन लोगों को हुई थी, उनमें से एक वो भी है जिन्हें वास्तव में पीड़ा हुई हो।